एक तरफ बैटमैन उसकी टीम और दूसरी तरफ रास जो कई बार मरा और जिंदा हुआ, एल डिएब्लो जो आग को भयानक रूप से प्रकट कर सकता था और विस्फोट कर सकता था, और कई बाकी सुपर हीरोज और सुपर विलेंस जो रास के साथ थे। तो अब क्या होगा? ग्रीन एरो और डायना के बेटे कोनर का, ब्लैक लाइटनिंग के मासूम बच्चों का और सन ऑफ बैटमैन का। सो गेट रेडी फॉर बैटमैन मिशन इम्पॉसिबल इशू 17। नेशनल मॉल वॉशिंगटन डीसी, उद्घाटन की सुबह, जहां बैटमैन पेनी नज़र रखे हुए था अपने ड्रोन्स के जरिए उद्घाटन के लिए आने वाले प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए। तभी बैटमैन कहता है, स्टील कुछ सस्पिशियस दिखाई दे रहा है। नहीं, लेकिन अभी जल्द ही वो सस्पिशियस आने वाले हैं और बाद में सस्पिशियस लोग छिपने के लिए भीड़ का सहारा ले सकते हैं। तभी एक अलर्ट बजता है। ब्लैक लाइटनिंग पूछता है, क्या ये? यस, टाइम टू गो। टाइम टू गो? लेकिन स्टील और एक्वालेड हमारी ही तरह कुछ समझ नहीं पाते। तो बैटमैन उन्हें बताता है, कुछ और भी है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। यू आर किडिंग राइट? तुम और स्टील आने वाले प्रेसिडेंट को इनफ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दोगे। ब्लैक लाइटनिंग का क्या? तुम हाउसिंग सेक्रेटरी हो, तुम तो नहीं जा रहे हो ना राइट? आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। स्टील और एक्वालेड को अंदाजा तो था कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं बताना चाहते थे क्योंकि ये ब्लैक लाइटनिंग के बच्चों और ब्रूस के बेटे के बारे में था, ये पर्सनल था। तुम अपने बच्चों के पीछे जा रहे हो? हम तुम्हें नहीं बता सकते कि हम क्या कर रहे हैं। तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? हम प्रेसिडेंट की सुरक्षा को लेकर तुम पर भरोसा कर रहे हैं। बैटमैन जानता था कि ये पब्लिक इवेंट एक अच्छा मौका है रास के लिए प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए, इसलिए वो नताशा उर्फ स्टील से कहता है, नताशा अगर कोई भी परेशानी हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेसिडेंट को यहाँ से तुरंत उड़ा ले जाओ जैसे ही तुम्हें कुछ भी महसूस हो। समझ गई। हे, व्हाटएवर इट इज यू कांट टेल अस, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि गुड लक। थैंक यू एक्वालेड। तो तुम कब शुरू करोगे? यानी अब शुरू होने वाला था बैटमैन का मिशन इम्पॉसिबल। तो मैं हूँ एलके एक्सप्लेनर से ललित कुमार और तुम देख रहे हो इनजस्टिस 2 इशू 17। तो तुम कब शुरू करोगे? वीव ऑलरेडी बिगन। वो सीधे उस पॉइंट पर थे जहां बैटमैन ने कोनर का सिग्नल खोया था, स्पेस में, ठीक ब्राजील में अमेजन रेन फॉरेस्ट के ऊपर। ब्लैक कैनरी और टायना कहती है, जरूर वहां नीचे कुछ है, यह बहुत अच्छी तरह छिपा हुआ है, हमें तुम्हारे साथ आना चाहिए। नहीं, तुम दोनों को छिपकर रहना होगा, अगर वो तुम्हें देख लेगा। आई नो। जैसे ही हम रासेल खुल के बेस में घुसपैठ करेंगे हम तुमसे कांटेक्ट करेंगे। बेब्स, अगर तुम उसे ढूंढ लोगी? बैटगर्ल बीच में ही कहती है, मैं कोनर का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी टायना, मैं उसकी रक्षा करूंगी, मेरा वादा है। बैटगर्ल विमान से जंप लगाने वाली थी क्योंकि ये इकलौता तरीका था कि हम डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये खतरनाक है, ऐसे घने जंगल में टेलीपोर्ट करना ज्यादा खतरनाक होगा, वैसे भी तुम भी मेरे लिए यही करती। बैटगर्ल डायना के बेटे कोनर के खातिर अपनी जान खतरे में डाल रही थी, इसलिए डायना उससे दिल से धन्यवाद कहती है, थैंक यू। जब हम चारों एलघुल का बेस ढूंढ लेंगे तो हम एक मार्कर लगा देंगे ताकि तुम बिना किसी पेड़ में फंसे हुए टेलीपोर्ट कर सको। इट्स 24 माइल्स डाउन। आई नो, आई विल फाइंड। अगर मैं ऐसा कर रहा होता तो मुझे कम से कम एक पैराशूट चाहिए होता। हमने तुम्हें बताया था उसे पैराशूट की जरूरत नहीं है, उसके पास हम हैं। ल्यूक और प्लास वाइल्ड कैट और टेड से कहते हैं, ओके बेब्स, अपने हेलमेट में नेचुरली सांस लेते रहना, थोड़ी देर के लिए अंधेरा होने वाला है लेकिन जब फिर से उजाला होगा तुम जमीन पर होगी। 120,000 फीट, 90,000 फीट, 65,000 फीट, 40,000 फीट, 20,000 फीट। प्लास, 10,000 फीट, तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। मैं सावधानी से तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ ताकि हमें किसी भी चीज से डिटेक्ट नहीं किया जा सके। सावधानी से तेज, तुमने अभी अभी साउंड बैरियर तोड़ा है, तुम 830 माइल्स पर घंटे की रफ्तार से गिर रहे हो, अच्छी सावधानी है। ल्यूक, बैटगर्ल को ढककर रखो और उसे पूरी तरह से स्थिर रखो ताकि वो ट्रांजिशन के समय झटका न खाए। कैसा ट्रांजिशन? आई थॉट तुम पैराशूट में बदल रहे हो। पैराशूट लूजर्स के लिए होते हैं। हम देखते हैं कि प्लास बदल जाता है उसमें जो पहाड़ों में पैराग्लाइडिंग करने के लिए यूज होता है, किटी हॉक काइट। ल्यूक, यह डैड, लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो रहा हूँ। ग्रीन एरो, ब्लैक कैनरी, वी आर डन। तुम ठीक उसी जगह पर हो जहाँ हमने सिग्नल खोया था। यह हमें पता है। तुम्हें कैसे पता?
वो जानते थे क्योंकि इस वीरान जंगल में उनके सामने था एक एंट्रेंस जिसे गार्ड कर रहे थे निंचास, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट के मूल निवासी नहीं थे। ओके ल्यूक, मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी देर के लिए पेड़ बनो ताकि मैं तुम्हारे पीछे छिपकर आसपास के लिसनिंग डिवाइसेस और कैमरास को बंद कर सकूं। इससे असेसियन गार्ड्स के कम्युनिकेशंस भी बंद हो जाने चाहिए। इसके बाद पैड गर्ल टेलीपोर्टेशन के लिए एक जगह ढूंढते हुए ल्यूक से कहती है, तुम्हें पता है क्या करना है, और अपने डैड के कहते ही ल्यूक काम पर लग जाता है। हाय, मुझे अभी महसूस हुआ कि मैंने इस बातचीत के लिए कोई बहाना ही नहीं बनाया है। लेकिन जिससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, प्लास बड़े से लबादे में बदल कर उन्हें पीछे से डरा देता है। क्या? चिल्लाना बंद करो, निंजास को शांत रहना चाहिए। प्लास उन सभी को पूरा ढक लेता है जिससे उनका दम घुटने लगता है। रास को बताना होगा। चौथा निंजा भागने लगता है लेकिन प्लास अंबुजा सीमेंट की दीवार से कम नहीं था। ऐसा नहीं होने वाला है। क्या? कुछ नहीं, तुम मुस्कुरा रहे हो। हाँ, आप और मैं कभी इस तरह, इट्स नाइस। निंजास को बेहोश कर देना और हत्यारे सुपर विलेंस के अंडरग्राउंड ठिकाने में घुस जाना अच्छा है, तो ल्यूक कहता है। जब आप इस तरह से कहते हो। नहीं नहीं, मैं समझ गया, ये थोड़ा मेस्ड अप है, लेकिन ये ऐसा है जैसे गेंद किसी के घर में गई हो और हम उसके सबसे पास खड़े हैं। कम ऑन, लेट्स गो, हम फादर और सन मिलकर इस इविल ऑफ हाइव को बर्बाद करते हैं। टू बी कंटिन्यूड। तो अब क्या होगा? क्या बैटमैन को टेलीपोर्टर के लिए जगह मिल पाएगी? क्या बैटमैन रास से छिपकर बेस में घुसपैठ कर पाएगा? और अगर रास को पता चल गया तो क्या होगा उन मासूम बच्चों के साथ? जानने के लिए और देखने के लिए नेक्स्ट इश्यू, सब्सक्राइब टू एलके एक्सप्लेनर एंड टोड़ द बेल आइकन।